अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही सर है? आप ठीक हो? हाँ ठीक यस हूँ, सर। थोड़ा सा जुकाम। सर ये लाइब्रेरी में वो बुक मिल ही नहीं रही है। तो सर तो वहीं पे है, वो तो कैंपस इंचार्ज भी है, वो तो उसको बोल रहे हैं। शाह सर सर कोई और बुक फिर ले यहाँ से। सर कौन सी? वो वो सिमंस सिमंस की है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हो? वहां तो कम से कम सिमंस की नहीं 20 है सर? होंगे, कम से कम 20 है वहां पे। सर नहीं अरे सर, मैंने 20 है, ऑनलाइन भी चेक किया वहां पे। अच्छा मैंने कहा कम से कम 20 है एटलीस्ट, इसीलिए मैंने तुम्हें हमें सिमंस नहीं कहा था। दिखाई। मुझे पता था वहां पे वो है काफी सारी, कम से कम वहां 20 होंगे। ठीक है, तुम ठीक सर से इन्होंने बोला ढूंढो। कि ऑनलाइन करो, मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, वहां पे सिमंस की नहीं मिल रही। अरे ऑनलाइन लिबजन पे मिल जाएगी, क्या बोल रहे, डाउनलोड मतलब सर जो करो। इनका ऑनलाइन जो इनकी साइट है उस पे दिखती है ना कि है कि नहीं। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लिबजन पे ऑनलाइन से भी हो जाएगा अगर तुम फिर उसको प्रिंट करो। और मेरे हिसाब से वहां कम से कम 20 है, मैंने देखी हुई है, मैंने ही ऑर्डर करवाई है। यस सर। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां नहीं है वो, वरना मैं क्यों, मतलब मैं वही बुक ज्यादा बोलता हूँ जो तुम्हें मिल जाएगी और अवेलेबल होगी। और मुझे पता है वहां गवर्नमेंट पेडिक नहीं है, तो मैंने कहा था वो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो मुझे पता है कि वहां कम से कम 20 कॉपीज होंगी उसकी। ओके सर। तुम वहां ठीक से देखो, और वहां लाइब्रेरियन से पूछना होता है ना, तुम उसको यूज ही, तुमने लाइब्रेरियन से पूछा मुझे ये बुक ढूंढ के दो? सर अभी तक वो लाइब्रेरियन मेरे साथ ही थे, उसने भी बोला कि यहाँ पे नहीं दिख रही है। अरे उसको सर बोलो वहां वहां। की लाइब्रेरी वाले बदतमीजी थोड़ी करती है। मैं अरे मैं वो नहीं कह रहा हूं, उनका है ना वो लाइब्रेरी ऑनलाइन। नहीं सर देखो उसमें एक बार मुझे ऑनलाइन नहीं चेक किया मैंने सर, सर वहां फिर मैंने भी वही वहां ऑनलाइन पर चेक किया ऑनलाइन। सर वहां पर जब बुक लेने जाते हैं हाँ? मतलब दे भी लाइक कि हम ना मतलब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनका बिहेवियर सर थोड़ा अजीब होता है अगर हम देखेंगे जो तो वहां पर कोई, बैठी होती है। मैं देखूंगा, मैं बाबा साहब से बात करूंगा। किसने वो, अगर मुझे नाम पता हो किसने किया है मिसबिहेव, तो मैं वो भी बोल सकता हूँ उसको। सर मतलब वहां पर वो दे एक्ट लाइक अगर हम वहां का वॉशरूम भी यूज करते हैं, दे एक्ट लाइक कि हम स्टूडेंट्स ही नहीं है। दे मतलब वो अजीब सा बिहेवियर होता है, वो ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर होता है उनका। कोई बात नहीं, मैं फोन करूंगा आज उनको उसके बारे में। हाँ लेकिन वहां पे क्या है, उनका वो ऑनलाइन अभी वो वहां वो सिस्टम है कि आप वो मतलब चेक कर सकते हो वहां वो बुक है कि नहीं। इनफैक्ट वो वहां से ये भी पता चलेगा कि शेल्फ पे है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था मुझे किताब, उन्होंने बोला नहीं उस शेल्फ पे है, तो वो मिल गई क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन देखा, उसको एंटर किया जो उनका सॉफ्टवेयर है, तो उससे पता चल जाता है वो किताब वहां पे है कि नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, और मुझे पता है सिमंस वहां कम से कम 20 है, और या तो वो इश्यू हो चुकी हैं, लेकिन 20 कौन लेगा तुम्हारे बगैर, कौन पढ़ रहा फंक्शन, कोई नहीं। मैंने वो काफी सारी मंगवाई थी क्योंकि मुझे पता है ये टेक्स्ट बुक है, ये ज्यादा काम आएगी, तो वहां 20 से ज्यादा ही होंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता यहाँ पे सर यहाँ पे हूँ। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन वो हो ही जाता है, वो लिबजन से ले लो तो, और फिर प्रिंट कर लो, वो भी उतने ही पैसों में हो जाता है जितने में बुक आ जाती है, अगर ना तुम चाहो तो। वैसे भी तुम्हें सारी तो नहीं करनी, तुम करो वो जो फंक्शन एनालिसिस का हिस्सा है उसको प्रिंट करो फिर, क्योंकि उसमें बहुत सारी और चीजें भी है। और दूसरी बात ये है कि हमें कल से लाइट नहीं है, अब जब तक ये लैपटॉप और मेरा फोन चलेगा तब तक क्लास चलेगी, ठीक है, जब इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? तो बुक्स है वहां पे, कोई इशू नहीं, और मैं उसके बारे में बात करूंगा वहां क्या वो बदतमीजी करते हैं। ओके लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। कहाँ गया? ओके यह गया व्हाइट बोर्ड, ये किया शेयर।
ओके, कल से हम कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल लीनियर स्पेसेस, बनाक स्पेसेस, राइट? सो अभी तक जो हमने की, दे आर बेसिकली जैसे हमारे सिंपल है वेक्टर्स एंड टपल्स, राइट? मतलब ये हमने देखा. Then we dealt in sequence spaces, say bounded sequences, say convergent sequences, sequences converging to zero. Then LP, where P is greater than or equal to one. P to power summable sequences. Sequences. And अभी और है कोई? हाँ, तो ये सभी एग्जांपल्स हमने की नॉर्मल लीनियर स्पेसेस की, और ये सारी की सारे, सारी की तो सारी तो नहीं है लेकिन तकरीबन सारी बनाक स्पेसेस. नाउ मतलब कंप्लीट है, मतलब एवरी कोशिश सीक्वेंस कन्वर्जेस देयर. अब दूसरी बात जो है, ये साबू अली कितने सारे हैं? तीन है एक ही नाम से, साबू अली, साबू अली. Anyways, तो what I was trying to say कि हमने ये examples की थी which are sequence spaces, but we can think of them as, ये साबू अली कितने सारे हैं भाई, क्या एक एक पैदा हो रहा है? चार in the waiting room by same name. ये किसी ने hack वैक तो नहीं किया हमारा? ये सर नहीं, ये कुछ इशू होगा, नेटवर्क इशू की वजह से तीन तीन आ रहे होंगे. चार चार में कर रहा हूँ एंटर और आ रहे हैं, साबू अली बाय द सेम नेम. ओके, सो नाउ वी गो टू व्हाट वी कॉल फंक्शन स्पेसेस. नाउ फंक्शन स्पेसेस आर आल्सो वेक्टर स्पेसेस बिकॉज़ बाय द सेम आइडिया, सेम ऑपरेशंस. एंड द इम्पोर्टेंट स्पेस दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू. बाबा और आ गए, ये साबू अली कितनी बार आएगा? Okay, so what I was trying to say, we can think now of a space, say, let me take CAB. By that I mean the collection, the set of all functions defined on AB onto our field, which we know would be either the set of real numbers or the complex numbers, such that F is continuous. Firstly, अगर मैं लूँ all functions, even from the set of k to k, or real numbers to real numbers, or complex numbers to complex numbers, so they are, it's a vector space under the operations, pointwise operations over k. So collection of functions is always a vector space. The definition is, how do you add two functions? You add them pointwise. So you take f plus g of x is f of x plus g of x, and of course f into g of alpha f of x, the scalar multiple of the function is nothing but you multiply that point wise. It's not different actually than it's not much different than say Rn, Cn, because we can also think of them as function spaces. Just if, for example, Rn can be thought of, what is this? This is x1, x2, up to xn. I can, where xi are real numbers, so I can think of it as a function defined on a finite set. I can think of it as a function defined on 1, 2, up to n, two real numbers. Right? अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, and I map, I can think of this as it maps 1 to x1, which is a real number, 2 to x2, which is again a real number, because I can think the one गया x1 के पास, उसका मैंने उसकी image का नाम है x1, 2 की image का नाम है x2, so this can also be thought of as a function, and how do we add them? We add them pointwise. If I have two functions, say this is x is a function, y is another function. We add their values at corresponding points. That's we add
आई नीड टू से एक्स, अगर मैं इसको ऐसे मानू फंक्शन ऑन द सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, एंड वाई इज अनदर फंक्शन, इफ आई थिंक ऑफ इट इज अ फंक्शन व्हिच आई कैन, इट्स परफेक्टली अ फंक्शन, अनदर फंक्शन. By function, I mean which function that sends one to x is a function. मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x one goes to x sub one. मतलब that's the meaning. मतलब x one is the image of one, x two is the image of two, x three is the image of three. इसी तरह से y को मैं सोच सकता हूँ as a function which sends one to y one, two to y two. मतलब y one का मतलब image of one, y two का मतलब image of two, and yn का मतलब image of n. और मैं इसको add कैसे करता हूँ, point wise करता हूँ. मैं देखता हूँ one पे इसकी image और one पे इसकी image, दोनों को add करता हूँ and I get the resulting vector x1 plus y1, x2 plus y2. बिल्कुल यही है. How do I add these two functions and get a resulting function? I take the image at each point of f and g and add them correspondingly. And same with the scalar multiplication. So we haven't done actually nothing. It's nothing different when I say that now if I take the function space, it is a more general kind of thing which would include Rn, Cn, L infinity, C, C naught, sequence spaces also. Now if it is a sequence, then I can think of it jaisa ki tumhe pata hi hai, n to k, set of natural numbers to the field, jo ki real or complex number hoga, where x1 is actually nothing but image of 1, x2 is image of 2. So when my pura set of natural numbers honga, I will get the sequence spaces, and again the point wise operation means adding the corresponding images at each point in the domain. To isko chhodte hue agar main ab ye wala particular example lu continuous functions ki, now is it a vector space? Of course it's a vector space. Agar ye khali ab, lekin ab ispe extra condition hai. Function space to hai hi ek vector space, lekin extra condition kya hai? यहाँ पे इट इज नॉट जस्ट एनी फंक्शन स्पेस, इट इज एफ हैज टू बी कंटिन्यूअस, बट वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट टाइम इज अनदर कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो व्हेन आई ऐड पॉइंट वाइज और मल्टीप्लाई स्केलर बाय पॉइंट, द रिजल्टिंग फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, मीन्स इट इज अ वेक्टर स्पेस. नाउ द क्वेश्चन इज डिफाइनिंग अ नॉर्म ऑन दिस फंक्शन. So the norm we define on this function is, now we know that a continuous function on a closed bounded interval is bounded, right? A continuous function on a bounded interval is bounded. Therefore, closed and bounded interval, sorry. Because इसीलिए हमने लिया ये closed and bounded interval AB. So इसका मतलब ये bounded है, यानी इसकी range bounded है. अगर बाउंडेड है तो उसका एक सुप्रीमम होगा. सो वी डिफाइन नॉर्म ऑफ एफ टू बी सुप्रीमम ओवर टी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी, टेक ऑल द थिंग्स इन द रेंज एंड फाइंड द सुप्रीमम, एंड वी शुड बी एबल टू फाइंड द सुप्रीमम बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल. देयरफॉर एफ टीज आर बाउंडेड एंड एवरी बाउंडेड सेट हैज अ सुप्रीमम, राइट? So again, to show that it's a norm is rather obvious. मतलब वो जो हमने अभी तक किया ना बिल्कुल वैसे ही follow होगा. जैसे हमने maximum norm या sup norm किया था इससे पहले, बिल्कुल वैसे ही हम prove कर सकते हैं that it defines, it satisfies all the properties. पहली बात तो obvious है कि it is supremum of non-negative numbers, so ये तो norm तो है. दूसरा, of course, ये भी बिल्कुल obvious है. This is equal to mod of alpha into norm of f. और triangle inequality भी जैसे हम कर चुके हैं कि f plus g, ये भी ये तीनों properties satisfy होंगी जो ये star हमने define किया. So it is a normal linear space. So under point wise operations and this norm. So CAB is a normed linear space. But again, I want to know whether it is complete under this norm. So completeness ke liye, I have to take a Cauchy sequence and show that it converges inside C. So let me call this X for the time being. So I take a Cauchy sequence. Let me take Fn, a Cauchy sequence contained inside
ऑफ कोर्स एक्स, चलो मैंने सी वी की जगह एक्स लिखते हैं, लेट एफ एन बी ए कोशी सीक्वेंस, आई हैव टू शो दैट इट कन्वर्जेस टू ए फंक्शन एफ दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स. कोशी सीक्वेंस का मतलब ऑफ कोर्स अंडर द नॉर्म, सो इट इंप्लाइज दैट फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव, उसको लिया करो, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम बिगर देन एम नॉट. सो वंस आई Now I apply the definition of the norm. So here is the norm, right? So I just applied the definition to this thing. So from that I would get supremum of Fn minus Fm at t is less than epsilon for all n m bigger than n naught. And of course I am taking supremum over all t's belonging to my interval a b. राइट विच वुड इम्प्लाई, चलो मैं सुप्रीम वैसे मुझे लिखने, चलो ये भी वैसे ही इजी है जैसे पहला वाला था. यूजिंग द ऑपरेशन, जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है, व्हाट इज एफ प्लस जी ऑफ टी इज नथिंग बट एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, एंड अप्लाइंग द सेम थिंग हियर, द ओनली थिंग इज देयर इज माइनस, सो यू हैव आई कैन राइट इट एज एफ एन एट टी minus fm at t is less than epsilon for all n m bigger than n naught. Now that would imply, of course, if supremum over this set is less than epsilon, to sare ke sare less than epsilon hone chahiye. So it would imply actually fn at t, same technique jo isse pehle thi, koi nayi baat actually humne ki nahi. It must be true, lekin yahan pe thoda sa kuch naya aayega, kyunki I have to show that f is continuous. जो ना इसका लिमिट हो, एंड ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू ए बी. सो व्हाट आई डू, देयरफॉर आई कैन से नाउ बाय दिस, अगर मैं इसको मान लू अपना डबल स्टार, आई कैन से दैट फॉर ईच फिक्स्ड टी बिलोंगिंग टू ए बी एफ एन ऑफ टी by double star, no? ये हो जाता है, the f at t is a Cauchy sequence inside k, inside my range k, and k is complete. Therefore, there exists a number, and since it has got something to do with t, it depends upon t. I am fixing t, so there exists some ft belonging to k such that fn t converges to f of t as n approaches infinity. Therefore, iska ek matlab ye bhi hai ki for all epsilon positive, for any epsilon positive, there exists some n naught belonging to a set of natural numbers such as mod of f n at t minus f of t is less than epsilon for all n greater than n naught and for all t belonging to a b. Now, if you remember the definition of uniform convergence from the first semester, it implies that fnt converges to fn converges to f uniformly on this interval. So it would imply that fn converges to f, because this epsilon is independent of t, I can choose this epsilon which fits for each t belonging to ab. So it is uniformly continuous. It converges to f uniformly on the interval ab, which implies that uniform, if you have a sequence of uniformly sequence of continuous functions converging pointwise uniformly to converging
uniformly to another function, it implies that f is continuous. ये हम वहां कर चुके हैं, so I don't need continuous on EB means, of course it implies that, तो continuous का मतलब ये कि it must belong to CAB, जिसको मैंने नाम दिया था by the way, right? क्या हुआ? कहीं भी कोई दिक्कत है? मैं वापस जाता हूँ. So I've got this thing. This is true for all. So अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूँ, इस इक्वेशन का, चलो ट्रिपल स्टार दे देते हैं. So ट्रिपल स्टार ये कहता है, so by triple and by triple star, I can have supremum T belongs to AB, क्योंकि सभी के लिए है. Fn minus F of T is less than epsilon for all n greater than n naught, which implies that by definition of the norm, which implies that Fn converges to F, which belongs to X. So which implies that X is complete. X means CAB. So we have taken a space, the CAB, remember this. We have taken this set of all continuous function on a closed boundary interval, and we have used what we call the subnorm. And under this norm, it is a Banach space, it's a complete space. Now we can go a bit further. अभी हम एग्जाम्पल ही कर रहे हैं भाई देवे. ओके, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. उसका जो हमारा क्या बोलते हैं आइडिया है, आइडिया ये है कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं ना वेक्टर स्पेसेस, तो हम वहां जाइए. डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का, हाउ इज इट डिफाइंड? इफ वी इज अ वेक्टर, लेट मी कॉल इट v1 v2 up to Vn in n-dimensional space, U is another vector, omega, U1, U2, up to Un. So what is V dot U? ये हंस कौन रहा है, क्या बात है? What is dot product? तुम बोल सकते हो बीच में, no issue. What is V dot U? It's V1, U1 plus V2, U2 plus? Go on. बिल्कुल सही. लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट और लेंथ का एक कनेक्शन है. यानी अगर मैं लूं v डॉट v, वो क्या मिलेगा मुझे? वो लेंथ मिलेगी. v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, जो हमारी लेंथ स्क्वायर, उसका स्क्वायर. हाँ, लेकिन अब जो ये हमारे हिसाब से ये है एक्चुअली यूक्लिडियन मैट्रिक है ना, यूक्लिडियन नॉर्म का स्क्वायर. इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा टू किया, यानी एक्चुअली इसका स्क्वायर, समेशन वी आई स्क्वायर का स्क्वायर, राइट? राइट. तो अगर हम यही आइडिया करें यूज ऑन अवर फंक्शन स्पेसेस, ना अगर मैं अब v को सोचूं एज अ फंक्शन, जैसा कि मैंने किया था 1, 2 अप टू n टू द सेट ऑफ व्हाटएवर रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो भी स्केलर फील्ड है मेरा, तो कहने का मतलब देन दिस इज एक्चुअली, दीज आर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एंड आई एम एक्चुअली टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विद ईच पॉइंट. आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विद ईच पॉइंट एंड देन आई गेट डॉट पॉइंट. Point. No. क्या हुआ? I am multiplying the, क्या बोलते हैं, range at the corresponding points and adding the whole thing, and from that I get a metric, right? तो उसका मतलब ये है, क्या ये possible है कि अगर मेरे पास अब ये infinite set हो, suppose it is an interval AB, and I have got a function from this to set of real numbers, another function g, can I do something like f of x1, g of x1, मैं सारे रेंज के वैल्यूज लूं, फिर उनको ऐड करूं, राइट? फिर मैं लूं इस तरह से f of x का स्क्वायर, है ना, हर एक का प्लस करता जाऊं ना, f of x1 का स्क्वायर, लेकिन यहां x1 x2 लिखना
सही नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सेट है वो काउंटेबल नहीं है, वो तो बिल्कुल इन्फिनिट है। बट अगर तुम दिमाग में सोचो और फिर मैं इसका टोटल करूं, ये यानी मैं लूं समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, चलो मॉड लगा देते हैं जस्ट मेक इट, हालांकि स्क्वायर और मॉड में कुछ फर्क नहीं होता है, फिर से रियल नंबर, अगर मैं मतलब स्क्वायर लूं फिर मॉड, मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर को बिकॉज इट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मैं ये क्वांटिटी लूं वायर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, राइट, सो क्या फिर मैं इसको मतलब हाउ डू आई इंटरप्रेट दिस? ये तो ऐसे नहीं है ना कि 10 नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई किया या फिर उनका स्क्वायर लिया, ये तो इन्फिनिटली मेनी है ना। बट वी नो दैट इसी का एक रूप होता है व्हाट वी कॉल इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स, जो भी तुम्हें पसंद, मतलब इट इज इन अ वे if this exists as a finite quantity then it has got a symbol like this. I should put mod here क्योंकि यहाँ mod था, यहाँ square आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो integration में हम करते हैं ना, जब हम each value लेते हैं इस तरह से होता है ना integration, हर एक function का value हमने लिया ना, range value, उन सबको total एक तरह से किया। हाँ अब उसमें कुछ conditions हैं, it should exist assuming that existence, यानी मान लो f integrable है, तो कहने का मतलब है this should have the properties of the length, क्योंकि जब मैं usually dot product में ऐसा ही करता हूं उससे जो मुझे मिलता है उसमें होता है length, Euclidean length की property होती है। Okay, तो next जो हम norm define करेंगे, now let's take this space, usually हम लेते हैं Lebesgue integral, but it could be Riemann integral, कोई issue नहीं है, that would still be a normal linear space, but हम Lebesgue लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इफ यू टेक दिस व्हाट आई कॉल एल टू ए बी, सो दिस इज ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी टू माय स्केलर फील्ड सच दैट एफ इज मेजरेबल एंड मोड ऑफ एफ जो है स्क्वायर इज लेबिग इंटीग्रल, इट्स लेबिग इंटीग्रल। कहने का मतलब ये भी है उसका मतलब कि दिस थिंग ओवर द सेट ए बी दिस लेबिग इंटीग्रेबल इज लेस देन इनफिनिटी, इट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट थिंग, सो देन आई कैन डिफाइन अ नॉर्म ऑन दिस। मैं बिल्कुल वही करूंगा, नॉर्म क्या होना चाहिए, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को जनरलाइज करूं फॉर फॉर अ फंक्शन विद विद अ बाउंडेड इंटरवल एज इट्स रेंज, देन दिस शुड बी, नॉर्म को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा जैसे मैंने वहां उसका स्क्वायर रूट लिया था बाद में ऐड करने के बाद, ऐसे इसको हम कहते हैं, इसको हम बिग L2 स्पेस कहते हैं। एंड देन दिस L2 AB इज आल्सो L2 AB इज ए Banach स्पेस। In fact, I can just change it to P. I can write LPAB. Koi farak nahi hoga. Yeah, isme of course P has to be greater than equal to 1. Bilkul wahi jaise small L's ka humne kiya tha. Now these are function spaces. F is measurable. Bilkul wahi hai. And F raised to power P is Lebesgue integrable over this set, na, AB. That's obviously, and of course फिर integral जो बनेगा हमारा जो norm बनेगा इसका वो होगा, लेकिन हम थोड़ा यहाँ ज्यादा नहीं करेंगे, हालांकि easy है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा हाँ यहाँ p आएगा, यहाँ 1/p आएगा, so fp जो है lp's are all complete normed linear spaces, that means Banach spaces. अब हाँ इसको Banach space prove करना वो पूरे का पूरा वो तुमने किया होगा definitely, तुम्हारे उसको नहीं किया, तुमने किया ना शायद major theory में Ries Fischer theorem किया वहाँ पे Ries Fischer theorem, अगर नहीं किया तो तो यहाँ मुश्किल होगी क्योंकि इसमें Banach स्पेस दिखाना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि
अगर तुमने तुमने मेजर थ्योरी का कोई कोर्स पढ़ा है? हाँ? यस पढ़ा है ना? सर, यस सर, वो जो थ्योरम है कुछ में इस यस सर, रीज फिशर थ्योरम पढ़ा है उसमें? नो सर। ओके, नेवरदलेस आप मेजर में मैं बताऊंगा ना क्या डिफिकल्टी। यस सर, डिफिकल्टी ये है कि जैसे नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉर्म ऑफ एफ इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ एफ हैज टू बी जीरो, है ना। अब मान लो यहाँ पे नॉर्म है, नॉर्म यहाँ पे मान लो तुम्हारा है एफ ऑफ टी, चलो स्क्वायर डी टी, और ये मेजरेबल फंक्शन है, लिबिक इंटीग्रेबल फंक्शन है, उसका स्क्वायर लिबिक इंटीग्रेबल है, मान लो ये जीरो है, कैन आई कंक्लूड एफ इज जीरो? अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल जीरो है और कैन आई कंक्लूड चलो एफ ऑफ टी का स्क्वायर या जो एफ एज ए फंक्शन जीरो है फॉर ऑल टी, क्या ये जीरो फंक्शन होगी? हाँ, अगर जीरो फंक्शन है तो ये जीरो होगा, वन वे तो ऑब्वियस है ना। अगर एफ जीरो फंक्शन है यानी अगर एफ ऑफ टी जीरो तो ऑफकोर्स उसका इंटीग्रल जीरो होगा, लेकिन हमें इंटीग्रल की चाहिए नॉर्म की प्रॉपर्टी के लिए, ये फेनोमेनली एफ चाहिए ना, चाहिए ना। हाँ, तो अब मुझे बता दो, अगर तुमने मेजर थ्योरी पढ़ी है, अगर इंटीग्रल किसी फंक्शन का जीरो है तो क्या मैं मान लू वो फंक्शन जीरो होगी? इंटीग्रल हाँ 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 और दूसरा ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, क्योंकि क्योंकि अगर ये नेगेटिव मतलब पूरी की पूरी नॉन नेगेटिव फंक्शन ना हो तब तो रीमन इंटीग्रल में भी ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन का इंटीग्रल जीरो हो और फिर हो। तो क्या मैं डिड्यूस कर सकता हूँ फ्रॉम मेजर थ्योरी? हम कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी ये ऑन ए बी, यानी अगर किसी पॉइंट पे ये नॉन जीरो है, जिन पॉइंट्स पे ये नॉन जीरो है उस सेट का मेजर जीरो है, तभी जाके उसका इंटीग्रल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब अब मैं फंस गया, तो या तो मुझे मुझे अब जब मैं लिबिक इंटीग्रल में डील करूंगा ना, तो मुझे मानना है F is equal to, दो फंक्शंस को मैं बराबर मानूंगा, इट वुड बी इन दिस अंडर दीज कंडीशंस, क्योंकि अदरवाइज मेरा सारा खराब हो जाए, कि मुझे मानना है बराबरी का मतलब है F is equal to J E A E almost everywhere, so that means instead of having a single function as my vector as my point in the space, it would be a class of functions which are equal almost everywhere. यानी जहां पर वो equal नहीं है, can you give me an example of a function which is zero almost everywhere? अरे जल्दी बता दो, time कीमती है यहाँ पे। sir constant में constant से उसका कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। अगर मैं लू एफ ऑफ सपोज एफ लेता हूं मैं जीरो वन पे टू सेट ऑफ, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं लू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इफ एक्स is a rational number, it is equal to zero if x is an irrational number, then f is zero almost everywhere on the same. क्योंकि ये जो जहां पे नॉन जीरो है that is set of rational numbers, and set of rational numbers is a set of measure zero, the big measure zero. So, इसी तरह से I could have taken Cantor set also. That's also measure zero, although it's uncountable.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसलिए हम इसके डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा फंस जाएंगे हमारे, मतलब आगे चल के शायद मैं इसको फिर से किसी या तो फंक्शनल एनालिसिस सेकंड में शायद इसका ज्यादा हम जा सके, बट नेवर द लेस मेरे कहने का मतलब है वी कैन थिंक ऑफ नॉर्म अराइजिंग ऑफ आउट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं टू ए जनरल फंक्शन, नॉट जस्ट ए वेक्टर विद एन कंपोनेंट्स. ओके, सो व्हाट शुड वी, हाँ थोड़ा से एक दो और चीजें हैं कि नाउ आई कैन थिंक ऑफ नॉर्म एज अ फंक्शन. सो व्हाट इज नॉर्म, सो यू हैव गॉट नॉर्म, ऐसा होता है यू हैव गॉट एन एक्स एन इनपुट, व्हाट डू यू गेट, you get something belongs to non-zero real numbers. So norm can be thought of as a, it is a function from non-negative to R, right? The question is it continuous? क्योंकि मुझे पता है x जो है वो अब एक metric space है. Every normal space is a metric space, which is also a topological space. और topological space में हम continuity की बात तो कर ही सकते हैं. मैट्रिक्स स्पेस में तो खैर बहुत अच्छे से कर सकते हैं. हाँ ऑफ कोर्स इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, वो हम ऐसे दिखाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस में कंटिन्यूटी का वी कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. वी नो दैट एफ इज कंटीन्यूअस इन अ मैट्रिक्स स्पेस एट एक्स इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्जेस टू x इंप्लाइज f(xn) कन्वर्जेस टू f(xn). तो मैट्रिक्स स्पेस में ये सहूलियत है कि वी कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस. नाउ वी नो दैट हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है x plus y is less than equal to norm of x. ये तो है ही, बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी. नाउ दिस वुड इंप्लाई दैट x norm of x which can be written as norm of x minus y plus y. Now applying the triangle inequality, this is less than or equal to norm of x minus y plus y, which implies that norm of x minus norm of y is less than or equal to norm of x minus y. चलो मैं यहाँ जाता हूँ. सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल इनइक्वालिटी आई गेट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई. फर्दर मोर नॉर्म ऑफ, लेट मी राइट इट लाइक दिस, नॉर्म ऑफ वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स, which by this property is less than equal to norm of y minus x, which is nothing but minus 1 into norm of x, sorry, bracket a, okay? And using the property of the norm, this is exactly equal to modulus of minus 1 because it's a scalar, into norm of x minus y, which is the same thing as norm of x minus y. That is, I have... Only minus in multiple. माइनस, हमने माइनस से ऊपर से मल्टीपल किया, नहीं मैंने सीधे लिखा इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा ना सर. इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं, ये तो सीधा इक्वालिटी है ना, इसमें क्या है ये इसके बराबर है कि नहीं? ये सर ये तो ठीक है. हाँ हाँ, तो फिर इस, अब इस पे लगाया ऊपर वाली प्रॉपर्टी एक्स को और वाई को आपस में इंटरचेंज किया, ठीक है? इंटरचेंज, हाँ बिल्कुल.